राम राम जी, आज के टाइम पर i20 N लाइन से ज्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि टाटा अल्ट्रोज रेसर आ रही है जो कि इस सेगमेंट में पावर के मामले में किंग होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, टाटा अल्ट्रोज आई टर्बो में देखने को मिलता है उससे भी ज्यादा पावरफुल ये इंजन होगा। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 125 हॉर्स पावर और 225 Nm का टॉर्क निकालेगा। इंजन की बात करें तो जो क्रेटा और सेल्टोस के बेस मॉडल में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो आपको 14 हॉर्स पावर और 144 Nm का टॉर्क निकालता है। वो एक SUV सेगमेंट की गाड़ी है और ये तो देखो कितना पावरफुल इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो लोग गाड़ियों में पावर के ज्यादा शौकीन होते हैं उनके लिए गाड़ी बिल्कुल बेस्ट होगी। इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में आपको हल्के फुल्के ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। टाटा अल्ट्रोज रेसर जो आपको ऑटो एक्सपो में देखने को मिली थी वैसे ही लगभग सेम ही होगी ये गाड़ी। इंटीरियर में आपको हल्के फुल्के चेंजेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं जो आपको नॉर्मल पंच ईवी वगैरह में अब टाटा जो नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं उनमें जो फीचर होंगे वैसे ही कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, न्यू स्टेयरिंग व्हील आ रहा है वो देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रोज रेसर में आपको इंजन ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, फीचर्स वगैरह तो आपको लगभग और टाटा की गाड़ियों में आ रहे हैं वैसे सब कुछ सेम ही होंगे, लेकिन आपको पावर वगैरह ये चीज इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं प्राइस की बात करें तो इसका लगभग 9.5 लाख से 12 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस हो सकता है। अब तक इस सेगमेंट में राज करी थी Hyundai i20 N लाइन में आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिलता है जो आपको 118 हॉर्स पावर और 172 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन टाटा अल्ट्रोज रेसर के अंदर आपको ज्यादा पावर देखने को मिलेगी, ज्यादा टॉर्क देखने को मिलेगा और ज्यादा बड़ा इंजन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।